हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्टर रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। और रिएक्शन करने लगी हूँ मैं मुंबई पर, और इंडिया का आई थिंक सबसे ज़्यादा मशहूर जो शहर है वो मुंबई है। और इंडिया जो जाए वो मुंबई ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि मोस्टली लोग तो होते हैं वो सिर्फ मुंबई में ही रहते हैं जाकर, क्योंकि नाम ही इतना ज़्यादा मशहूर है मुंबई का। इंडिया मुंबई के साथ जुड़ा हुआ नाम जो है मुंबई का, इंडिया के साथ वो बहुत मशहूर है। हर कोई मुंबई को तो ज़रूर जानता होगा। सो अगर आई रियली वॉन्ट टू विजिट इंडिया, और ऑब्वियसली ऑफ कोर्स मुंबई भी, सो लेट्स सी ये कब पॉसिबल होगा। लेकिन अभी मैं इस वीडियो को देखती हूँ, मुंबई की स्पेशल चीज़ें क्या हैं। बहुत ही वेल डिवेलप्ड सिटी है ये, और आई थिंक सबसे बड़ा भी है शायद। तो देखते हैं क्या कुछ है मुंबई की खासियत। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और सजेस्ट करें मजीद किस पे रिएक्शन करूं। एंड लेट्स प्ले द वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको सैर कराएंगे हमारे देश के एक शहर की, वो शहर जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां सबके सपने सच होते हैं। भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है ये शहर। यहां पर स्टाइल है, यहां पर माहौल है, और यहां पर एनर्जी है। भारत का वो शहर जहां पर खरबपति भी रहते हैं तो महीने में 2000 कमाने वाले भी सरवाइव कर जाते हैं। ये शहर सबको प्यार देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। यहाँ का बड़ा पाव खा लिया तो समझो स्वाद की तृप्ति हासिल कर ली। ये वही शहर है जहाँ पर पहली बार किसी हिंदुस्तानी ने कार खरीदी थी। जी हाँ दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं है बल्कि सपनों का शहर है ये। दोस्तों, 7वीं शताब्दी में मुंबई 7 द्वीपों में बटा हुआ था जो कि ब्रिटिश राज का हिस्सा थे। इन 7 द्वीपों को एक शहर में बनने में करीब 1784 से 1845 तक 60 साल का वक्त लगा। कहा जाता है कि मुंबई को यह नाम उन लोगों ने दिया था जो यहाँ वर्षों से रहते थे। तो वहीं कुछ का कहा है कि बॉम्बे नाम पुर्तगाल से आया है, क्योंकि वो इसे बॉम पाहिया कहते थे, जिसका मतलब होता है एक सुंदर खाड़ी। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुंबई नाम इस शहर को इसलिए मिला क्योंकि मुंबई के मूल निवासी यहाँ के मुंबा देवी की पूजा करते हैं, जिनके नाम पर इस शहर को ये नाम दिया गया। वेल दोस्तों, आप इस बात को जानते होंगे कि मुंबई की धारावी में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। जैसा कि सब जानते हैं कि मुंबई में रहना खाना बेहद महंगा है, इसमें मुंबई का शहरी इलाका ही नहीं बल्कि झुग्गी बस्तियां भी शामिल है। धारावी में आपको एक घर बनाने के लिए करीबन 3 लाख की जरूरत होती है। आपने इस एरिया को हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में जरूर देखी होगी। इस फिल्म ने कई सारे बड़े बड़े अवार्ड जीते थे। दोस्तों, ब्रिटिश राज के मुख्यालय होने के नाते मुंबई भारत के अन्य शहरों से पहले विकसित हुई है। भारत का सबसे पहला 5 सितारा होटल मुंबई में वर्ष 1903 में खुला था, और भारत का पहला एयरपोर्ट जुहू एरोड्रोम था जो कि 1928 में खुला। वहीं यहां छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का तीसरा सबसे अच्छा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा रेलवे टर्मिनस, इलेक्ट्रिक रेल सिस्टम, पब्लिक बस सर्विसेज सबसे पहले मुंबई में ही स्थापित हुए। दोस्तों, मुंबई शहर की जान है डब्बा वाला, जो इस शहर के ऑफिसेज में लंच देने वाली लंच बॉक्स डिलीवरी सिस्टम है। ये एक बेहद ही विशाल नेटवर्क है जो बेहद ही अच्छे तरीके से बना हुआ है, और इस सिस्टम के माध्यम से कभी भी कोई गलती नहीं हुई। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा इसे विश्व की सबसे अच्छी सप्लाई चेन घोषित किया जा चुका है। भारत में जो लंच है वो देश तक होना के घर वाले इनके थ्रू लंच बेचते हैं। संस्थापक महान व्यक्तित्व के मालिक सर जमशेद जी टाटा, सन 1898 में उन्होंने इस शहर में कार खरीदी और भारत में कार खरीदने वाले पहले व्यक्ति बने। दोस्तों, मुंबई के साथ कई ऐतिहासिक पल जुड़े हुए हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई में चली। कुछ है जो इस पहली ट्रेन में 14 बोगी थी और 400 यात्रियों के बैठने की जगह। आज भी रेल के मामले में मुंबई किसी भी शहर से आगे है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन मुंबई में बना, जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। भारत का सबसे पहला ट्रेन पहला था देखते हैं और बाकायदा सपने पूरे भी होते हैं। भारतीय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है मुंबई। जिसे बहुत लोग जॉब्स के लिए, स्ट्रगल के लिए मुंबई जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। इसके बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉलीवुड तो हर हिंदुस्तानी के जहान में है भाई। ये मुंबई शहर ही तो है जिसने कई बॉलीवुड स्टार दिए हैं। कौन कब स्टार बन जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक ही कहावत चलती है मुंबई में कि आप बस मेहनत करते रहो, बाकी सफलता आपको आज न कल तो मिल ही जाएगी। देश के जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं सब के सब आपको दिख जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस शहर में। एक और बात जो इस शहर के बारे में कही जाती है वो ये कि जितने लोग ट्रेन भरकर इस शहर में रोज आते हैं उतने ही लोग इस शहर से जाते भी हैं।
कहने का मतलब ये कि अगर आप में हुनर है तो आप छा जाएंगे, लेकिन अगर आप में हुनर नहीं है तो आपका कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई किसी को देखता नहीं, आपको बस खुद आगे बढ़ना है। वेल फ्रेंड्स, इस सिटी में खरबपति भी रहते हैं तो यहाँ पर फकीर भी सरवाइव कर लेते हैं। ये बैलेंस इस सिटी को सबसे अलग बनाती है। हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर आप दिन में 10 रुपए से भी पेट भर सकते हैं। Really? बस आपको दिन में एक बार वड़ा पाव खाना है। मुझे लगता है वड़ा पाव काफी मशहूर है वहाँ का। वड़ा पाव यहाँ का सबसे बेस्ट लोकल फूड है। वैसे मुझे सबसे ज्यादा पसंद यहाँ का समोसा पाव है। भारत देश का सबसे महंगा बंगला आपको मुंबई में दिखेगा, जैसे मुकेश अंबानी का 27 फ्लोर का बंगला जिसकी कीमत है 1 बिलियन। वही शाहरुख खान का बंगला मशहूर पीपल है वो मुंबई में रहते हैं। है कि मुंबई में पैसे वाले लोगों की कोई कमी नहीं। यहाँ पर किसके पास कितना पैसा है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वैसे मुकेश अंबानी का घर देखकर लगता है कि काश यहाँ पर एक फ्लोर मेरा भी होता। दोस्तों, इस शहर में अथाह पैसा है और इसीलिए इसे फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को देखकर पहचान नहीं कर सकते कि किसके पास कितने पैसे हैं। मुंबई इसी का नाम है भाई, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, वो भी तो मुंबई में है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई। दोस्तों, ये भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जो कि कभी नहीं सोता। अगर आप किसी और शहर की बात करें तो यहाँ रात में 11-12 बजे के बाद चीजें शांत हो जाती है, लेकिन मुंबई अलग है। यहाँ पर दिन हो या रात हो, लोग आपको काम पर जाते हुए दिखते हैं। यहाँ पर सबके पास काम है और सब अपने आप से ही मतलब रखते हैं। वैसे मुंबई की लड़कियाँ भी कमाल की हैं। ये बहुत ही इमोशनल भी होती हैं। अगर आपसे यहाँ की लड़कियों ने दोस्ती कर ली तो समझिए कि ये आपका साथ हर समय देंगी। कहते हैं कि ये बहुत ही लॉयल होती हैं। सिर्फ लड़कियाँ ही क्यों, मुंबई के लड़के भी बहुत तेज होते हैं जनाब। इन्हें स्ट्रीट स्मार्ट कहा जाता है। यहाँ के कॉलेज गोइंग लड़के और लड़कियों में आपको एक अलग ही एटीट्यूड नजर आएगा। अच्छा एटीट्यूड है तो मुंबई से ना, उत्तर मुंबई में स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान डिफरेंट होता है ना मुंबई वालों का। जो कि सिर्फ जानवरों का घर ही नहीं बल्कि जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। इस पार्क को घूमते हुए यहाँ आप तेंदुआ, सांभर, हिरण आदि जैसे जानवरों को देख सकते हैं। ये दुनिया में पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा घूमा जाने वाले राष्ट्रीय पार्कों में से एक है। वनस्पतियों और जीवों के अलावा यहाँ आप कान्हेरी गुफाओं को भी देख सकते हैं जो कि 2400 साल पुरानी है। अब हम आपको दिखाते हैं वो तमाम डेस्टिनेशन जहाँ पर आप जा सकते हैं इस शहर में घूमने के लिए। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। आइए जानते हैं नंबर 1, जुहू चौपाटी। दोस्तों, वैसे तो मुंबई में कई सारे समुद्र किनारे हैं, लेकिन जुहू में स्थित जुहू चौपाटी या मुंबई चौपाटी जाना आपके लिए एक यादगार अनुभव होगा। यहाँ पर आप परिवार के साथ जाकर घंटों बिता सकते हैं। ऊंची बिल्डिंगों से घिरा और शहरी आबादी के बीच में स्थित इस बीच पर आना आपके लिए सुखद रहेगा। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। भेलपुरी, पानीपुरी, इडली, डोसा, वड़ा पाव और मुंबई के पारंपरिक व्यंजन का आप यहाँ मजा ले सकते हैं। फिल्मी दुनिया की दिग्गज हस्तियाँ यहाँ रहती हैं और बहुत सारे स्टार आपको इस जुहू बीच पर मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करते हुए दिख जाएंगे। नेक्स्ट इज द गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई की जान कहा जा सकता है। ये एक तरह से मुंबई का प्रवेश द्वार है। वहीं यहाँ से आपको समंदर में घूमने के लिए बोट की सुविधा भी मिलेगी। आप चाहे तो फेरी से यहाँ घूमने का ऐसा लग रहा है जैसे पानी के बीच में बना हुआ है। नेक्स्ट इज मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव मुंबई का सबसे खूबसूरत जगह है। सारी जो जगह है ये पानी वाली दूरी पर स्थित ये जगह एक रोमांटिक प्लेस है। किसी क्वीन के नेकलेस की तरह इसका नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। जो लोग मुंबई जाते हैं वो एक बार मरीन ड्राइव जरूर जाते हैं। ये समुद्र तट के साथ 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क है। कहते हैं कि मुंबई शहर कभी सोता नहीं, मरीन ड्राइव खामोशी के साथ पिछले 100 सालों से उसका गवाह है। नेक्स्ट इज वीटी स्टेशन एंड साउथ मुंबई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन यूनेस्को की संरक्षित सूची में शामिल एक ऐतिहासिक और शानदार इमारत। ये तो मुझे हैरी पॉटर टाइप बिल्डिंग लग रही है थोड़ी। विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। 1996 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया गया। गोथिक स्टाइल में बने इस स्टेशन को देखना आपके लिए एक अनुभव होगा। यार कितना प्यारा है ये। शॉपिंग करना हो या फिर मुंबई को करीब से देखने की चाहत, आपको इससे बढ़िया जगह कहीं और नहीं मिलेगी। टैक्सीज कितनी है यार, मैं देख रही हूँ, मैंने एक चीज नोटिस किया कि टैक्सी कितनी चल रही है मुंबई में। विदेशी पर्यटक बल्कि यहाँ के मूल निवासी भी पिकनिक मनाने आते हैं। उन्हीं प्रसिद्ध स्थलों में से एक है हैंगिंग गार्डन। इन गार्डन्स को फिरोज शाह मेहता गार्डन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह टहलने के लिए और साथ ही बच्चों के खेलने के लिए सबसे बढ़िया विकल्प है। इन हैंगिंग गार्डन्स की हरियाली देखने लायक। यहाँ बगीचे कृत्रिम रूप से विभिन्न प्रकार के जानवरों की आकृति से ढाले गए हैं। नेक्स्ट इज पोवई लेक। दोस्तों, मुंबई की इस झील से पूरा शहर का नजारा काफी जगह है यार जो कि मशहूर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आकर पोवई की वादियों में खो जाते हैं।
ये एक तरह की कृत्रिम झील है जो मुंबई के शोरगुल में भी एकदम शांत रहता है। इस झील में मगरमच्छ, बतख और बुलबुल पाई जाती है। शाम के समय इस झील में पर्यटक बोटिंग भी करते हैं। इसके पास ही में स्थित एक लेक गार्डन जहां से मुंबई शहर का नजारा देखने लायक होता है। कोवई झील के पास में स्थित है तुलसी जी विहार झील और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगर आप कोवई झील के पास जाते हैं तो वे उसके आसपास के इन स्थलों को भी देखना न भूले। नेक्स्ट इज फिल्म सिटी। दोस्तों अगर आपको शौक है फिल्म सिटी की, मैंने सुना हुआ या सीरियल्स की शूटिंग देखना तो आप इस जगह पर आ सकते हैं। फिल्म सिटी का आपको पास मिलता है और आप अच्छा, इस जगह पे एंटर करने अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो क्या पता आप अपने सुपरस्टार से भी मिल लें, क्योंकि सब के सब यही तो रहते हैं, काम करते हैं। यही है इस देश का सबसे बड़ा स्टूडियो भी। नेक्स्ट इज एंड लास्ट हाजी अली दरगाह। मुंबई के सारे महत्वपूर्ण जगहें और स्टेशन पश्चिमी लाइन पर ही हैं। महालक्ष्मी स्टेशन पर जाना आपके लिए बेहतर चीजें देखने के लिए यादगार रहेगा। आप यहां हाजी अली की दरगाह देख सकते हैं। इस दरगाह को 1431 में समुद्र के बीच में बनाया गया। यहां आकर आपको सुकून मिलेगा। समुद्र के बीच में होने की वजह से यहां के किनारे भी देखने लायक है। दोस्तों ये था मुंबई। आप में से अगर कोई मुंबई से है तो कॉमेंट्स में जरूर बताएं। वाओ, मुंबई वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बहुत चीजें हैं जो पहली दफा मुंबई से ही शुरुआत हुई थी आई थिंक इंडिया में। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था बहुत वेल डेवलप्ड सिटी है और वड़ा पाव बहुत मशहूर है, मुझे पता चला पानीपुरी वड़ा पाव स्ट्रीट फूड में। सो आई थिंक वड़ा पाव भी मुंबई की एक स्पेशल डिश है। तो इसके अलावा जो पानी से रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे ये पानी के बीच में बने हुए थे कुछ जगहें, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। और समुंदर है वहाँ पर, तो ज़्यादा जो घूमने वाले स्पॉट्स हैं वो समुंदर से ही रिलेटेड है। सो अच्छा लगा पूरा ओवरऑल। जो एक हैरी पॉटर टाइप बिल्डिंग थी वो बड़ी मज़े की लगी है मुझे और मज़ा आया वीडियो देख कर विजिट करने के लिए। आई थिंक मुंबई जो मैंने सुना हुआ है कि जो स्ट्रगल करते हैं लोग जॉब्स के लिए, चाहे वो आपको कोई आपके ड्रीम्स हैं कि वैसे वाकई सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोग एक्टर बनने या सिंगर बनने इस तरह के कुछ जो जिनको शौक है वो करने भी मुंबई ही जाते हैं, क्योंकि एक्टर्स और सब कुछ ये जो चीज़ें हैं मुंबई में ही है, ये मुझे पता है। और इसके अलावा वैसे भी दूसरे जॉब्स के लिए भी ज़्यादा लोग सुना है कि मुंबई ही जाते हैं। सो वाकई में सपनों का शहर जैसे कहा है वो वाकई में मुझे लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करना, जो जो मुंबई से है कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले मेरे कितने सब्सक्राइबर्स और कितनी जो फैमिली है वो मुंबई से है। सो बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, और कौन सी सिटी पर रिएक्शन करूँ ज़रूर बताना। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।